नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए एक नजर डालते हैं प्रदेश की ताजा तरीन और बड़ी खबरों पर। सबसे पहले कोरोना वायरस की बात करें तो राजस्थान में पिछले 8 दिनों से कोरोना के केस अचानक बढ़ गए हैं। बुधवार के आंकड़े की बात करें तो 335 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसी के साथ अब राजस्थान में कुल पॉजिटिव का आंकड़ा 11,600 तक पहुंच चुका है। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा भी 259 पहुंच चुका है। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान सरकार की नई गाइडलाइंस के अनुसार गुरुवार को दूसरे राज्यों के लिए रोडवेज बसों का संचालन नहीं हो पाएगा। हालांकि प्रदेश में रोडवेज बसें पहले की तरह ही चलेगी, लेकिन शुक्रवार से वापिस अन्य राज्यों के लिए ये बसें फिर से शुरू हो जाएगी। दरअसल जब कल सुबह खबर आई थी कि राजस्थान की सभी सीमाएं सील कर दी है, इसके बाद रोडवेज प्रशासन ने दूसरे राज्यों को जाने वाली बसों को भी स्थगित कर दिया था और बुकिंग पर रोक लगा दी थी। बाद में गृह विभाग ने आदेश को संशोधित किए, जिसमें कहा गया कि केवल प्रदेश से बाहर जाने पर रोक रहेगी, आने पर नहीं। अब खबर आ रही है कि शुक्रवार से अन्य राज्यों के लिए बसें फिर से शुरू हो जाएगी। तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चौकस हो गए हैं और राज्य की सीमाओं को सील करने का जो आदेश दिया था, इस आदेश के बाद अब श्रीगंगानगर जिले से लगती पंजाब की सीमाओं को भी फिर से सील कर दिया गया है। बिना पास की अनुमति के निजी वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। प्रदेश की चौथी बड़ी खबर की बात करें तो कल दोपहर को जैसे ही लोगों ने ये खबर सुनी कि राजस्थान की सीमाएं एक बार के लिए फिर से सील हो रही है, उसके बाद लोग बाजारों में उमड़ पड़े और खासकर गुटखा और तंबाकू की दुकानों के आगे लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई। दरअसल सोशल मीडिया पर झूठी अफवाह चली हुई थी कि एक बार फिर से राजस्थान में लॉकडाउन होगा, उसके बाद लोग अपनी नशे की आदत को पूरी करने के लिए बिना मास्क लगाए समूह में गुटखा तंबाकू की दुकानों के आगे पहुंच गए। बाद में दुकानदार भी माल देना बंद कर दिया और शटर डाउन करके निकल पड़े। साथ में आपको बता दें, गुटखा तंबाकू पान मसाला की बिक्री पर कोई भी रोक नहीं है, फिर भी दुकानदार अगर आपसे ज्यादा पैसे ऐंठ रहे हैं तो आप स्थानीय प्रशासन को जाकर इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर की बात करें तो गहलोत सरकार के लिए कोरोना काल में एक मुश्किल और खड़ी हो गई है। दरअसल कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने शिकायत की है कि गुजरात और मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है और शिकायत में कहा गया है कि विधायकों की खरीद फरोख्त का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि ऐसे तत्वों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आपको बता दें, गुजरात में राज्यसभा चुनाव से पहले अब तक 8 विधायकों के इस्तीफे के बाद राजस्थान में भी अब सियासी घटनाक्रम तेज हो गया है। यहां भी राज्यसभा चुनाव से ठीक 9 दिन पहले गहलोत सरकार ने कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों की बाड़ेबंदी कर दी है ताकि इन विधायकों से बीजेपी संपर्क ना कर सके। तो ये थी प्रदेश की बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।